आयरन मैन और फ्रैंकलिन ने मिलकर इस वीडियो में ऐसा हथियार बनाया जिससे सर्विंग लेडी को पकड़ भी लिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए कैद भी कर दिया। वो क्या मशीन होने वाला है और कैसे फ्रैंकलिन और आयरन मैन ने सर्विंग लेडी को कैद किया, ये सब गाइस जल्दी आप लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। और अगर आप लोगों को स्टोरी नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है पिछले पार्ट्स का, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हो और आपको स्टोरी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं अब वाले स्टोरी में क्या चल रहा है। अभी यार मेरे को देखो कितना पेट खराब हो गया है, सुबह से शाम हो गया, मैं बार बार टॉयलेट जा रहा हूँ आ रहा हूँ, ये क्या अजीब सा चीज़ है भाई साहब। अरे यार ये तो यार मैजिकल पत्थर से ये हो रहा है, ये तो मैजिकल पत्थर है गाइस, इसके अंदर से ऐसा अजीब सा क्यों हो रहा है। रुको यार, इसके अंदर मैंने सर्विंग लेडी को कैद किया था, मेरे को देखना पड़ेगा। अरे सिड यार ये क्या, अरे नहीं कितना बड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर तो सर्विंग लेडी नहीं है, इसका मतलब सर्विंग लेडी भाग गया यहाँ से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जिस जेल में वो बंद थी वो तो एक जादुई जेल था और उसको मैंने इस मैजिकल पत्थर की मदद से बनाया था, लेकिन ये मैजिकल पत्थर अजीब सा क्यों हो रहा है ये, और ये सर्विंग लेडी भाग कैसे गई, जरूर कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई। रुको रुको भाई साहब, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। मैजिकल पत्थर तुम मुझे बताओ सर्विंग लेडी कैसे मेरे घर से भाग गई है और उसकी मदद किसने की है जादुई जेल से भागने में। ये क्या दिखा रहा है भाई साहब, मेरे घर के अंदर कार घुस आया था और मैं शायद से उस वक्त टॉयलेट में था क्या। एक मिनट, ये कार नहीं है, ये किलर कार है। ओ भाई इसका मतलब किलर कार आया था और किलर कार ने सर्विंग लेडी को यहाँ से निकाला। अरे ये कुछ तो ऐसा ही लग रहा है, ये क्या किलर कार यहाँ पे आया और इसने सर्विंग लेडी को वहाँ से कैसे आजाद करा दिया। वो केस तो भाई साहब यार जादुई केस था, लेकिन वहाँ पर भी इसने उसको आजाद करा दिया, कितना अजीब बात है यार। और बड़ा प्रॉब्लम आ गया है क्योंकि सर्विंग लेडी भाग गई। अरे नहीं यार अब मैं क्या करूँ, सर्विंग लेडी को तो बड़ा मुश्किल से मैंने पकड़ा था, अभी वो फिर से भाग गई है। अरे भाई साहब वो हम लोगों को छोड़ने नहीं वाली है और ऊपर से पूरा लॉस सेंटोस तबाह कर देगी वो तो। अभी गाइस मुझे सर्विंग लेडी को रोकना ही होगा कैसे भी, उसे हम लोगों को दोबारा पकड़ना पड़ेगा। अब मेरा मदद सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है गाइस, वो है आयरन मैन। लेकिन यार आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर लोग भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वो लोग भी जानना चाहते हैं यार कि मैंने अपने चैनल को कैसे ग्रो किया है। तो भाई यार आप लोगों के लिए मैंने टैग चैनल बना दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप लोग जाके उसे सब्सक्राइब कर लो। मैं उस पर आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो, तो गाइस उस पर आप लोग सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है वो चैनल भी। ए रुक, व्हाइट कार चल बाहर निकल गाड़ी से। ये क्या हो गया सर, मेरे को क्यों बाहर निकाल रहे हो। मुझे पता चला है कि व्हाइट कार के अंदर कोई बंदा बहुत सारा गोल्ड लेके जा रहा है। क्या, मैं नहीं हूँ वो, मेरे को जाने दो सर, मेरे को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम मुझे है, मुझे तेरी गाड़ी का तलाशी लेना होगा, जरूर तू ही है वो गोल्ड स्मगलर। अरे भाई यार आपको भरोसा नहीं हो रहा है क्या, जल्दी चेक करो। चेक तो मैं करूंगा ही, मेरे को देखना है गाड़ी के अंदर सोना कहाँ है। ब्लैक शीशा, गाड़ी के अंदर ब्लैक शीशा क्यों लगाया है तूने, तुझे पता नहीं है ये इनलीगल है। ब्लैक शीशा सवा सारा का सारा ब्लैक शीशा हटवा दे, कोई भी गाड़ी में ब्लैक शीशा नहीं रहना चाहिए। ए रुक, व्हाइट कार, एक और व्हाइट कार आ गया, इसके अंदर कौन है। ए बड़ा ही अजीब बात है भाई, ये गाड़ी तो मेरे आंखों के सामने चल के आया है, इसके अंदर तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वही तो नहीं है। क्या सोच रहा है तू। अरे हाँ यार ये तो सचमुच वो किलर कार है। क्या किलर कार बोल रहा है। अरे सर भाग चलो यहाँ से। क्या भाग चलो, चुपचाप से यहीं पे खड़ा रहे, अभी तेरी गाड़ी की तलाशी बाकी है। अरे भाई साहब मैं तो भाग रहा हूँ, अभी वो ऑफिसर बचेगा नहीं। भाग गया, इतनी जल्दी भाग गया, कितना बड़ा चोरी खिलाई है तो। लेकिन ये गाड़ी के अंदर कोई तो है नहीं, फिर भी गाड़ी चल रही है, मैं बचाओ कोई तो। अरे भाई साहब बच गए यार, वरना वो किलर कार तो मेरे को छोड़ने नहीं वाला था,
वो जरूर मुझे ही मारने आया था और उस अरबियन लेडी ने उसको भेजा था मेरे को मारने के लिए। लेकिन रुको रुको, मेरे को सारा बात बताना होगा आयरन मैन को। आयरन मैन ही मेरा मदद कर पाएगा सर्वियन लेडी को रोकने पे, क्योंकि गाइस अभी मेरे को किसी पावरफुल आदमी की जरूरत है। आयरन मैन सुपर हीरो बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ कवच नहीं, एक बढ़िया बॉडी भी चाहिए होती है। मेरी बॉडी देखो। अरे ये देखो, फ्रैंकलिन भी आ गया। फ्रैंकलिन से ही पूछ लो कौन है सबसे बेहतर सुपर हीरो। अरे सॉरी, माफ करना यार फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारी बातें सुन नहीं सकता हूँ, मेरा थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया है, अभी आता हूँ मैं। अरे यार आयरन मैन, वो तो गया, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। हाँ बताओ यार फ्रैंकलिन, मैं भी खाली बैठा था। अरे यार लॉस सैंटोस के अंदर बहुत बड़ा धमाका चल रहा है, किलर कार के बारे में तुम्हें पता ही होगा। हाँ पता तो है, एक बार हम लोगों ने किलर कार को कैद भी किया था। अरे हाँ कैद किया था, लेकिन सिर्फ एक किलर कार को, वैसा तो बहुत सारा हजारों करोड़ों किलर कार अभी भी है। क्या बात कर रहे हो, हजारों करोड़ों किलर कार, ये कहाँ से आ गए हैं? इन सभी को कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं, इन सबको कंट्रोल करती है सर्वियन लेडी। सर्वियन लेडी, ये कैसे हो सकता है, सर्वियन लेडी अभी भी जिंदा है? अरे हाँ, और उसे रोकना होगा हमें कैसे भी। क्या बोल रहे हो, सर्वियन लेडी को पकड़ना होगा? सर्वियन लेडी तो एक आत्मा है और उसे पकड़ने के लिए तो मेरे पास एक मशीन है, पर हम लोगों को उस मशीन को एक ट्रक के ऊपर असेंबल करना पड़ेगा फ्रैंकलिन। अरे तो कितना टाइम लगेगा, उसको जल्दी करते हैं ना, हम लोगों को सर्वियन लेडी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन फ्रैंकलिन, उस मशीन को पावर देने के लिए हम लोगों का खून चाहिए, और खून मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में। जल्दी से जाओ, तुम जाकर खून लेकर आओ, उस मशीन के अंदर ब्लड डालना होगा, उसके बाद ही वो किसी भी आत्मा को पकड़ेगा। क्या ब्लड? हाँ जल्दी जाओ, तुमको ब्लड लेके आना होगा हॉस्पिटल से, और उसके बाद ही वो मशीन ऑन हो पाएगा। अच्छा भाई साहब, उस मशीन को ऑन करने के लिए ब्लड चाहिए, तभी वो किसी आत्मा को पकड़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है रुको रुको, अभी मैं जाके हॉस्पिटल से ब्लड लेके आता हूँ, और फिर जाके वो मशीन ऑन होगा और वो सर्वियन लेडी को पकड़ेगा। ये क्या किलर कार? अरे भाई साहब, ये किलर कार मेरा ही इंतजार कर रहा है क्या? अरे भागो यार। अरे भाई साहब बच गए यार, वो किलर कार मेरा ही इंतजार कर रहा था। ये क्या फ्रैंकलिन, तुम तो हॉस्पिटल गए थे, अभी इतनी जल्दी आ गए? अरे मैं गया ही कहाँ था, बाहर मेरा इंतजार कर रहा है किलर कार मारने के लिए। क्या इसका मतलब तुम हॉस्पिटल नहीं जा पाओगे? बिल्कुल नहीं यार, हम लोगों में से किसी एक का ही खून इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैं अपना खून दे दूंगा, और मशीन के अंदर अपना खून डालने के बाद मशीन चालू हो जाएगी। चलो फिर सर्वियन लेडी को पकड़ते हैं। अरे आयरन मैन, तुम अपना खून मत दो यार, तुम्हारा खून बहुत कीमती है। मैं अपना खून दे दूंगा इस मशीन के अंदर, और जैसे ही मशीन के अंदर खून जाएगा, मशीन चालू हो जाएगा, और फिर हम लोग सर्वियन लेडी को पकड़ लेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जल्दी से काम करना होगा हमें, इसी ट्रक के ऊपर हमें सारा का सारा मैकेनिज्म सेट करना है। अच्छे से काम करो फ्रैंकलिन, जल्दी से हम लोगों को करना है। हाँ यार आयरन मैन, मैं भी बढ़िया से काम कर रहा हूँ। फ्रैंकलिन, पूरा का पूरा ट्रक पे हम लोगों ने मैकेनिज्म तो सेट कर दिया, लेकिन अब सिर्फ एक चीज बच गया है। हाँ मेरे को पता है, मेरा खून, जल्दी से मेरा खून निकाल लो, लेकिन थोड़ा सा ही निकालना यार। माफ करना फ्रैंकलिन, उस मशीन के अंदर थोड़ा सा खून से कुछ नहीं होगा, अगर उस किसी आत्मा को पकड़ना है तो उसे खून चाहिए, और उस खून के लिए ज्यादा खून चाहिए होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ पे ही मारूंगा। अरे ये क्या फ्रैंकलिन, ये क्या कर दिया? अरे मैं तो तुम्हारे हाथ पे कट लगाने वाला था, और ये क्या कर दिया इसने, ये तो इसके पेट में लग गया खून। अरे ये तो बहुत ज्यादा खून आ रहा है। अरे फ्रैंकलिन जिंदा हो कि नहीं यार? फ्रैंकलिन ये तो बेहोश हो गया लगता है। अरे यार मैं ठीक हूँ, लेकिन पेट में किधर चक्कू घुसेर दिया तुमने? माफ करना यार, लेकिन तुम्हारा खून मेरे को मिल गया है, और अभी मशीन ऑन हो गया है। चलो अभी सर्वियन लेडी को पकड़ने चले। लेकिन भाई साहब, सर्वियन लेडी को पहले हमें ढूंढना पड़ेगा यार। क्या बोल रहे हो, लेकिन हम लोग सर्वियन लेडी को ढूंढेंगे कैसे? डोंट वरी आयरन मैन, मेरे पास एक मैजिकल स्टोन है, जिस मैजिकल स्टोन के थ्रू मैं किसी को भी ढूंढ सकता हूँ कहीं पर भी, और वो बहुत पावरफुल भी है। ये क्या यार, ये यहाँ पे आग क्यों लगा हुआ है? और ये क्या, ये मेरा गाड़ी में भी आग लग गया है? ये क्या चल रहा है भाई साहब, मेरे घर में आग कैसे लग गया?
अरे हटो हटो यार, मेरे को देखना पड़ेगा मेरा मैजिकल स्टोन ठीक है कि नहीं। ये क्या हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। मैजिकल स्टोन चोरी हो गया क्या? क्या हुआ फ्रैंकलिन? अरे भाई साहब गड़बड़ हो गया बहुत बड़ा। फ्रैंकलिन भैया ऊपर आओ। ये क्या सिंचन का आवाज? ऊपर आओ फ्रैंकलिन भैया, जल्दी आओ जल्दी। ए सिंचन तुमको क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन भैया तुमको पता नहीं है, यहाँ पर जब तुम नहीं थे तो यहाँ पर सर्वियन लेडी और किलर कार आए थे मैजिकल पत्थर ले जाने, लेकिन उसको मैंने चौप के घर में छिपा दिया है, जल्दी जाकर उसे ले लो। अरे यार सिंचन थैंक यू सो मच यार, लेकिन लगता है सिंचन को बहुत लगा है। वाह यार फाइनली अभी हम लोगों को ये वाला स्टोन मिल गया है और अभी हम लोग पता लगा लेंगे आयरमैन सर्वियन लेडी इस वक्त कहाँ छिपके बैठी है। मैजिकल स्टोन मुझे दिखाओ इस वक्त सर्वियन लेडी कहाँ पे छिपके बैठी है। ये भाई साहब ये कौन सा जगह है? अरे यार यहाँ पर तो बहुत सारा अजीब सा चीज नज़र आ रहा है। ये तो सर्वियन लेडी है जो छिपके बैठी है और यहाँ पे इतना सारा कवच, वो भी अजीब सा है यार। फ्रैंकलिन ये जगह मुझे पता है, ये जगह कहाँ पर है? ये जगह मेरे को तो कुछ पहचाना नहीं आ रहा है यार। मुझे पता है फ्रैंकलिन ये जगह कहाँ पर है और सर्वियन लेडी जरूर वहीं पर छिपके बैठी है। चलो जल्दी चलना होगा हम लोगों को, वरना सर्वियन लेडी शायद वहाँ से भाग जाए। अरे हाँ हो सकता है, और वैसे भी सर्वियन लेडी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उसको हम लोग को अभी जल्दी से पकड़ना होगा, वरना सर्वियन लेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई और उसको उसकी सारी पावर्स मिल गए तब वो शायद पूरा ब्रह्मांड खत्म कर सकती है। हाँ फ्रैंकलिन, और उसे रोकना नामुमकिन भी हो जाएगा और फिर हम लोग यहाँ पर सब के सब मरने वाले होंगे। जल्दी से फ्रैंकलिन हम लोग को कैसे भी करके सर्वियन लेडी को पकड़ना ही होगा अभी के अभी। हाँ भाई साहब, और अभी नहीं पकड़ा ना यार आयरन मैन तो सर्वियन लेडी आने वाले दिनों में बहुत पावरफुल हो जाने वाली है और फिर हम में से कोई नहीं बचेगा। वो देखो यार, वो रहा सर्वियन लेडी का पोर्टल और वहीं पे वो सर्वियन लेडी, वो ज़रूर अपना तपस्या में लगी हुई है अपने सारे पावर्स को वापस पाने के लिए। रुको फ्रैंकलिन, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। फ्रैंकलिन वो देखो, सर्वियन लेडी ने प्रोटेक्ट के लिए कितने सारे किलर कार्स को लगा रखा है। अरे भाई साहब अब हम लोग को इस किलर कार से भी लड़ना पड़ेगा क्या? चिंता मत करो फ्रैंकलिन, मेरे पास एक लिक्विड है जिसे तुम पी लोगे तो तुम किसी को भी नजर नहीं आओगे और फिर तुम जाकर इन सभी किलर कार्ड्स पे बॉम्ब प्लांट कर देना और सिचुएशन के हिसाब से अगर इन लोगों ने हम पे हमला किया तो हम लोग इन सभी को ब्लास्ट कर देंगे। चलो भाई साहब पी तो लिया यार आयरन मैन। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ कोई बचाओ यार, ये अजीब सा क्या हो रहा है मेरे बॉडी में, ये क्या हो गया? अरे यार सब चीज़ ठीक हो गया और मैं इतना हल्का क्यों लग रहा हूँ? फ्रैंकलिन काम हो गया, तुम किसी को भी नज़र नहीं आ रहे हो, अभी जाओ फ्रैंकलिन अपना काम करो। क्या सच में नहीं नज़र आ रहा है क्या? रुको रुको, अभी मैं सच में किसी को भी नज़र नहीं आ रहा हूँ और यहाँ पे ये सभी किलर कार लग रहा है कि सो रहे हैं क्या? रुको मैं सब पे बॉम्ब प्लांट कर देता हूँ। एक मिनट, ये वाला किलर कार सोया नहीं है क्या? रुको रुको ये मेरे को देख तो नहीं रहा है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ये मेरे को नहीं देख रहा है। चलो चलो भाई साहब हो गया काम हो गया, अभी फ्रैंकलिन सारा काम हो गया है ना, चलो अभी हम लोग अपना ट्रक लेके चले और सर्वियन लेडी को कैद करें। ठीक है भाई साहब चलो जल्दी चलो, सर्वियन लेडी अपना तपस्या में लगी हुई है और फिर हम लोग उसमें जल्दी से उसको कैद भी कर लेंगे। फ्रैंकलिन ज्यादा हल्ला मत करना किसी चीज का, अगर ये लोग किलर कार उठ गए तो इन लोगों से हमें लड़ना पड़ेगा और अगर लड़ाई हुई तो सर्वियन लेडी का तपस्या टूट जाएगा और वो हम लोगों पे हमला कर देगी, इससे बढ़िया हम लोग बिल्कुल भी हल्ला नहीं करेंगे। ठीक है यार चलो मैं जल्दी से इसको ऑन करता हूँ, इसके अंदर मेरा खून तो चला ही गया है। हाँ फ्रैंकलिन जल्दी करो। ये क्या किलर कार? अरे इसको तो पता चल गया, अभी मेरे को फोड़ना होगा इसे। फोड़ दो फ्रैंकलिन। अरे भाई साहब ब्लास्ट क्यों नहीं आ रहा है गाड़ी? अरे हो गया सारा किलर का ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट हो जा जल्दी से भाई साहब। हो गया सारा किलर कार तो ब्लास्ट कर दिया मैंने। अरे फ्रैंकलिन गड़बड़ हो गया यार। अरे क्या हो गया? लग रहा है कि सर्वियन लेडी को पता चल गया। क्या? हाँ यार सर्वियन लेडी को तो अब तक तो पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ आए हैं। अरे फ्रैंकलिन ये क्या सर्वियन लेडी? अरे चलो हो गया मैं यहाँ पे अभी इनविजिबल हो गया, मैं इसको नजर नहीं आऊंगा, जल्दी से यहाँ पर चल के ये बटन दबा देता हूँ
और फिर मशीन ऑन हो जाएगा और यहाँ पे सर्विन लेडी कैद हो जाएगी। कहाँ गया फ्रैंकलिन? यहीं पर तो था। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, ये मैं कहाँ जा रही हूँ? ये क्या हो रहा है फ्रैंकलिन? मेरे साथ तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। यहाँ पर ये सर्विन लेडी को मैंने कैद कर दिया। अरे वाह, हो गया यार, फाइनली गाइस सर्विन लेडी को कैद कर ही दिया। अभी गाइस यार, अभी सारा भलाई टल चुका है। आप लोग कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा वीडियो आपको, और सर्विन लेडी को भी कैद कर दिया तो यार पसंद आया होगा। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से करना चैनल को, वीडियो को भी लाइक कर देना। गाइस फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। गाइस तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय। ये क्या, अभी ये वाला किलर कार जिंदा है क्या? अरे सबको तो ब्लास्ट कर दिया था, ये यहाँ पे कैसे आ गया? अरे गाइस यार आप लोग सब्सक्राइब करो, तब तक मैं इसे देखता हूँ।